एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस फाइव नीता मैम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने पॉलिटी के बेहतरीन जो आपके प्रश्न हैं वो सारे आपके सामने लेके आई हूँ। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस्ड पर हैं, जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा का सारा मेरे पास डेटा है। मैं आपको सेट के हिसाब से मैं करवाऊंगी। जैसे आज मैं आपके सामने सेट वन लेके आई हूँ, इसमें मैं आपके सामने टॉप 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वन लाइनर इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेके आई हूँ। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जीएस पर मैं आपकी अच्छी पकड़ बनवा सकूँ। जितने भी आपके आपके अपकमिंग एग्जाम है, लाइक आपका हरियाणा के अंदर सीटी का एग्जाम है, ठीक है, अभी आपका जून में होने वाला है, अभी तो यही कह रहे कि जून में है, फिर भी हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपके सेंट्रल में आपका एग्जाम है, NTPC ग्रुप डी का, फर्दर और भी एग्जाम है, उन सब के लिए आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है हमारे कौन, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पिता कहे जाते हैं ना, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन, थोड़े से मैं आपके सामने जूम कर दूं, इतना विजिबल है आपके सामने, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद को सृजित किया गया था, यानी कि बाय विच एक्ट ही पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, कौन सा ऐसा अधिनियम था। बता, बहुत सारे अधिनियम आए हैं आपके, चार्टर एक्ट है जैसे आपका 1813 का था आपका, ठीक है, 1833 का, 1852 का है, इस तरीके से बहुत सारे चार्टर एक्ट आए हैं। तो उनमें से ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट है जिसके तहत भारत के अंदर गवर्नर जनरल के पद को क्रिएट किया गया था, तो वो आपका चार्टर एक्ट है 1833 यानी 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल होगा ऐसा जो पद है सृजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था, किस अधिनियम के तहत वायसराय का पद सृजित किया गया था, तो वो अधिनियम है आपका 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय का जो पद है वो आपका सृजित किया गया था, ठीक है। तो यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको तो 1833 का एक्ट था आपका, वायसराय का 1858 के एक्ट के अंदर जिक्र किया गया था। अब इससे ये भारत के पहले वायसराय कौन थे आपके, वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, कौन थे आपके भारत के पहले जो वायसराय, यहाँ को याद करना पड़ेगा ये, ठीक है, भारत के पहले वायसराय कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय थे। अब गवर्नर जनरल के को बताया ना 1833 के एक्ट के अंदर, तो बंगाल के पहले, भारत के नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग जो थे आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। यानी देखो गवर्नर जनरल की बात की 1833 के अंदर, ठीक है, वायसराय की बात की 1858 के अंदर, ठीक है। अब इससे आगे जो पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, और पहले जो आपके प्रथम जो आपके गवर्नर जनरल थे वो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अब सबसे आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यानी ऐसा कौन सा सोर्स था जहाँ से भारतीय संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ली गई थी। सबको पता है इस बात का, ये आपका 1935 का शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बहुत सारे जितने भी संविधान के अंदर बातें वो सारी की सारी 1935 अधिनियम के तहत इसके अंदर शामिल की गई। जैसे कुछ स्रोत है, जैसे कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ अफ्रीका से, कुछ कनाडा से, कुछ आयरलैंड से, तो ऐसे ही ज़्यादातर जितना भी मात्रा में जो कुछ लिया गया वो ज्यादातर जो स्रोत है, जो महत्वपूर्ण स्रोत सबसे बड़ा है, वो आपको कौन सा 1935 का भारत शासन अधिनियम है। अब इसे आगे है, 1935 के अधिनियम वो किसने दास्ता का घोषणा पत्र कहा है, यानी कि हु कॉल द 1935 एक्ट द मैनिफेस्ट ऑफ स्लेवरी, ठीक है, किसने कहा है इसे कि सब कुछ 1935 से लिया गया। तो यह बात किसने कही, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कही थी, यह बात कही थी कि 1935 शासन अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा था, ठीक है। अब इससे आगे है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, आपको बताने प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे, प्लस 7 लोग और उसके अंदर शामिल थे, लेकिन इस समिति का गठन कब हुआ था, देखो 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे, ठीक है, हम आजाद हो गए थे, 14 अगस्त को पाकिस्तान, दोनों अलग अलग आपके बन गए थे। फिर ये बात की गई कि हाँ हमें अपना अलग से संविधान बनाना है, तो इन्होंने ये बात की, ठीक है, आजादी होने के बाद ही तो हम अपना संविधान बनाएंगे। तो प्रारूप समिति यानी पहले देखो हम जो भी कोई काम करते हैं, लाइक हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, उसका ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाने से हमारे पास 2 महीने रह गए सीटी के एग्जाम के लिए, तो ड्राफ्ट बनाएंगे कि इतने दिन में हम ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, इतने दिन में ये कर लेंगे, फिर आगे इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, अब टेस्ट लगाएंगे, ये सारी स्ट्रैटेजी होती है हमारा ड्राफ्ट, ठीक है, जो मोटा मोटा तौर पर हम उसे लिख लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें संविधान बनाना था तो हमें हमारे पास ड्राफ्ट भी तो होना चाहिए, उसी को तो आगे हम उसी का तो पालन करके हम आगे अच्छे तरीके से संविधान बनाएंगे, तो यानी उसे हम प्रारूप कहते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल लो,
या फिर प्रारूप समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखो 15 अगस्त का तो बाद ही होगा ना, आज़ादी के बाद, तो कब हुआ था आपका? 29 अगस्त 1947 को आपका ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म जो हुई थी, ठीक है। विधि दिवस जैसे लॉ डे कहा जाता है, कब मनाया जाता है आपका? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। देखो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो बनकर लगभग तैयार हो गया था, उसको अंगीकृत किया गया था, ठीक है। टोटली रूप से लागू नहीं होता, कुछ ऐसे जो आपके अनुच्छेद थे जिनको अपनाया गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को उसे अंगीकृत किया गया था, इसी वजह से ही 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। लेकिन कंप्लीटली रूप से जो भारत का संविधान है आपका कब लागू हुआ था? वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी को मनाया था रिपब्लिक डे। तो कंप्लीट जो आपका पूर्णतः रूप से संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अंगीकृत यानी कब अपनाया गया था इसको? 26 नवंबर 1949 को, इसी वजह 26 नवंबर को आपका विधि दिवस मनाया जाता है। अब पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब फहराया गया था? नॉर्मली अगर पहली बार पूछे इंडिया के अंदर तो 1907 के अंदर फहराया गया था, ठीक है। अगर आज़ादी के बाद पूछो तो आपका 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था, ठीक है। और अब मुझे बताओ राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? देखो बात आप याद रखो, हम कब आज़ाद हुए थे आपके? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। अब आज़ाद हम होने वाले हैं, कम से कम हमारा देश का खुद का एक ध्वज भी तो, फ्लैग भी तो होना चाहिए जो हमें पूरे विश्व के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखिएगा जो आपका नेशनल फ्लैग है, किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने इसे डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग को, 3 कलर्स में, इसे ट्राई कलर बोला जाता है, केसरिया सफ़ेद है आपका, हरा है, ठीक है। तो कब इसे अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था आपका 22 जुलाई अगस्त से पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसे ही कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस में बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, डिटेल में मैं आपको करा रही हूँ, एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट मैंने अब तक छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी, प्लीज एंड तक बने रहेगा। देखो मैं सीधा आपको बता भी सकती हूँ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई लाहौर में, लेकिन आपको डिटेल जाना जरूरी है कि कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। देखो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर, जो आपका गोलक जो आपका तेजपाल कॉलेज है मुंबई के अंदर, वहाँ इसकी गोपाल तेजपाल कॉलेज इस नाम से कुछ नाम है, वहाँ आपका 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो WC बैनर्जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी आप, किसने की थी? AO होम ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी, ठीक है। AO होम ने इसकी स्थापना की थी और पहला जिसका अध्यक्ष WC बैनर्जी को बनाया गया था, ठीक है। याद रखना महात्मा गांधी जी अभी तक सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है आपका ये HCS के एग्जाम में पूछा गया था 1924 का बेलगांव का जो अधिवेशन है, पहली बार जो है गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव कहाँ है? आपका कर्नाटक के अंदर है। और 1925 के अंदर सरोजनी नायडू जी ने कानपुर के अंदर क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की। और 1917 के अंदर एनी बेसेंट ने क्या की थी आपके? इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछें कि पहली ऐसी कौन सी महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो है आपकी एनी बेसेंट 1917 के अंदर। लेकिन पूछ ले प्रथम भारतीय महिला कौन है वो जिसने आपके संविधान कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो है आपकी सरोजिनी नायडू 1925 से कानपुर के अधिवेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1937 के अंदर, ठीक है। अब इसमें बात आई पूर्ण स्वराज, एंड टोटली हमें स्वराज चाहिए। अंग्रेज क्या कह रहे थे आपको क्या करेंगे? हमें पूर्णतः ना देकर आप क्या करेंगे? आपके संविधान बनाने में हम हेल्प करेंगे अगर आप हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हेल्प कर देते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें आपके ये प्रस्ताव नहीं चाहिए, अब हमें खुद को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये मांग कब की गई थी कांग्रेस? ऐसा कौन सा अधिवेशन जिसमें इंडिया के लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है? वो थे आपका लाहौर का अधिवेशन 1929 के अधिवेशन। तो बताइएगा मुझे 1929 में कांग्रेस को किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अब इससे आगे डॉक्टर BR अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो वो कहाँ से थे संविधान सभा में अध्यक्ष जो थे आपके? मुंबई से थे। किससे आपके? मुंबई में से, ठीक है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्हीं की मदद से ही, यानी कि इन्हीं के इतनी मतलब इनका इतना वो था, इतना ज़्यादा योगदान इनका रहा है संविधान बनाने में, तो इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का जो मनु है डॉक्टर BR अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का जो मनु है कहा जाता है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नौवीं अनुसूची के किस संशोधन के द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई? तो जानिएगा आप, टोटल जब हमारा संविधान बना था उसके अंदर आपकी 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूची थी, फिर 8 अनुसूची थी आपकी, फिर आपकी आई 9वीं अनुसूची। इसको जोड़ना था, कोई भी चीज़ अगर आप संविधान के अंदर जोड़ते हो तो वो आपको एक अमेंडमेंट करना पड़ता है, यानी संविधान संशोधन करना पड़ता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत, जो हमें कहां से दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है आपका कि संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। स्रोत क्या है? दक्षिण अफ्रीका आपका, कि संविधान के अंदर संशोधन करके हम कुछ भी चीज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो नौवीं अनुसूची हमें जोड़नी थी, वो थी आपकी दल बदल से रिलेटेड। क्या था? कोई भी पार्टी या कोई भी नेता इस तरीके से पार्टी जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकता, तो इसके रोकथाम के लिए आपकी अनुसूची बनाई गई थी, नौवीं अनुसूची। तो कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन यह हुआ था, कब हुआ था? 1951 के अंदर नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के
द्वारा। ठीक है, अब इसे आगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? आपको पता है संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अंदर आपका अस्थायी जो अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर आपकी 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, जिसके अंदर आपका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर आपकी जो इसकी बैठक हुई थी थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को अंदर हुई थी, जिसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। किसने किया था? आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव सबके सामने समक्ष प्रस्तुत किया था। तो ये बातें पूछ रहा है आपका कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। देखो पारित तो किया था, नॉर्मली उस बारे में बात चल रही थी, उन्होंने बनाया था। ठीक है, वो तो बनाया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन कब रखा गया था आपका? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसी के तहत आपकी प्रस्तावना बनी थी। ठीक है, इससे आगे है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो न्यायाधीश है कौन है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वो आपके हीरालाल जे कानिया, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। एक बात आपको याद रखनी कि अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश तो रह चुकी है, बट मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की नहीं रही है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, कौन थे हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश थी, कौन थी आप मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, अब इससे आगे है आपका राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो मैंने आपको बताया था पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, हम भारत के लोग, ये जो हम भारत के लोग, ठीक है, ये बात किस में, जैसे शब्दावली कहाँ इसका यूज़ किया गया, कहाँ ये बात बोली गई? प्रस्तावना, प्रियम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर हम भारत के लोग ये बात बोली गई। अब देखो प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल। अब जैसे कोई भी हमारी बुक होती है, बुक में आपने एनसीईआरटी की सभी बुक्स में देखा होगा, सबसे पहले जो पेज पर आपको प्रस्तावना जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें बात कही गई है कि जो ये पूरा देश है, ठीक है, हम किसके लिए सारे हित में काम करते हैं, जनता के हित में हम काम करते हैं। तो इसने जनता को प्रमुख, सबसे ऊपर जनता को रखा है, यानी हम भारत के लोग ये हैं जो क्या कहते हैं, हमारे संविधान की रक्षा करते हैं, इनका पालन करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना के अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं। देखिएगा प्रस्तावना जो कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना वो आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, लेकिन इस प्रस्तावना के अंदर जो भाषा यूज़ की गई वो कहाँ से ली गई? आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, यानी लिखित प्रस्तावना होगी ये बात तो आपके अमेरिका से, और प्रस्तावना के अंदर जो भाषा यूज़ की गई वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, अभी तक प्रस्तावना के अंदर एक ही संशोधन हुआ है, वो संशोधन हुआ आपका 42वां 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 पहला, ये एक ही अभी तक संविधान संशोधन है, जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, कौन सा? समाजवाद है आपका, ये हम सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, समाजवाद आपका पंथ निरपेक्ष है, और अखंडता है। ठीक है, याद रखना आपको सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवाद आपका पंथ निरपेक्ष एंड अखंडता। समाजवाद का यानी समाज में हर कोई बराबर होगा, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष एक ही बात है कि पूरे राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के बराबर जो कि रिस्पेक्ट की जाए। अखंडता का मतलब, इंटीग्रिटी का मतलब, सब कोई भ्रातृत्व की भावना होगी, हर कोई क्या करेगा, एक रहेगा। ठीक है, तो एक ही संविधान संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 के अंदर। ठीक है, ये बात कब ऐसा कहा गया था कि प्रस्तावना ही संविधान का हिस्सा, या आपका केशवानंद भारती जो केस आया था आपका 1973 के अंदर, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल जो केस आया था, उसमें ये बात कही गई थी प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है और इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल रूप को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और कौन सी ऐसी डेट है जो इस प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है? वो 26 नवंबर 1949 जो डेट है आपकी प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है, ये बात आप याद। और भी बहुत कुछ है प्रस्तावना के बारे में, अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी तब मैं आपको समझाऊंगी, इतना अभी के लिए इतना काफ़ी है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके प्रथम स्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उसके उपाध्यक्ष कौन थे? एचसी मुखर्जी। कौन थे आपके? एचसी मुखर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताया ना मैंने, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बाद में संविधान सभा का निर्माण का आधार कब ऐसा कहा गया था कि संविधान सभा बनाया जाए, कौन सा निर्माण आधार है, बेस कैसा? कैबिनेट मिशन 1946 के बाद जो सर क्रिप्स जो इसके अध्यक्ष थे, सब कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब इससे आगे है आपका, याद रखना क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था। भारत के संविधान को अंगीकृत यानी पूर्णतः अपनाकर आंशिक रूप से अपनाया गया 26 नवंबर 1949, यही जो डेट है आपकी प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष बता दें, अगर नॉर्मली पूछा जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर पूछा जाए कि जो स्थायी रूप से अध्यक्ष, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित कब हुई थी? बताया था 9 दिसंबर 1946 को, कहते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपकी आयोजित की गई थी। ठीक है,
अभी सेकंड उद्देश्य का प्रस्ताव कौन लेके आया था, ठीक है, वो लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू, इसके बारे में आपके सामने बात रख चुकी हूँ। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, ये पता है ना आपको, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन उसके समक्ष प्रस्तावना जो आपके उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को प्रस्तावना कहा जाता है। तो कौन लेके आए थे इसे, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। मुस्लिमों हेतु, आपको पता है ना किस तरीके से जो आपका जो मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की थी, 1909 के अंदर मार्ले में जो सुधार एक्ट आया था आपका, ठीक है, उसके अंदर पृथक यानी कि अलग अलग सेपरेट आपके इलेक्शन होंगे मुस्लिम के अलग हिंदू के अलग, इस तरीके से ये बात की गई थी मार्ले में जो सुधार के द्वारा। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, मैंने आपको बता दिया है, आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे बी कृपलानी थे आपके झंडा समिति के अध्यक्ष थे, डायरेक्ट आपको लर्न करना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी, कितने जो कैबिनेट मिशन 1946 था उसके अंदर संविधान सभा के कितने सदस्य आए थे, वो थे आपके 389, याद रखना है कितनी महिलाएं थी इसके अंदर, 15 महिलाएं थी, ठीक है, और हस्ताक्षर कितने महिलाओं ने किए थे संविधान सभा के ऊपर, 7 जो हस्ताक्षर हैं वो आपके किए थे, ठीक है, 7 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान निर्माण के समय संविधान में अनुसूची मैंने आपको बताई थी 8 अनुसूची थी आपकी जब संविधान बना था, लेकिन अभी अमेंडमेंट करके टोटल कितने आपकी जो आपकी 14 जो अनुसूची हैं वो आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी, 4 और ऐड हो चुकी है, ठीक है, मेरे 14 पता नहीं कहाँ से माइंड में रह गया, 8 अनुसूची जो मूल संविधान के अंदर थी और अभी 12 हो गई, यानी 4 और ऐड हो गई हैं, ठीक है, तो 9वीं अनुसूची था आपका और 10वीं सूची, मैंने आपको गलत बता दिया शायद, जो 10वीं अनुसूची है ना वो है आपका अदल बदल समय, प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अभी मेरे को याद आया है 9वीं अनुसूची ना वो भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। देखो 8 अनुसूची थी आपकी, 8वीं अनुसूची किससे है, भाषा से संबंधित है आपका, जो आर्टिकल 343 के अंदर ये बात कही गई है कि आपकी 22 भाषाएं होंगी, ठीक है, और पहले कितनी थी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची के अंदर, लेकिन 22 भाषा होगी। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार संबंधित है, 10वीं अनुसूची आपके दल बदल से संबंधित है, ठीक है, फिर आगे 11वीं अनुसूची कौन सी है आपकी, और 12वीं, देखो 11वीं अनुसूची हो जाएगी आपकी जो ग्राम पंचायत जो आपका है ना उससे संबंधित है, और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में गलत बता दिया, प्लीज़ आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन और भूमि सुधार संबंधित हुआ, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ठीक है, सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ बातें होती हैं पता नहीं कहाँ से ऐसे गलत तरीके से हमारे माइंड में फीड हो जाते हैं, बट ठीक है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दें, प्लीज़ आप उसको माइंड ना करके उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। संविधान निर्माण के समय आपको बता दें मैंने संविधान के अंदर 8 अनुसूची थी आपकी, फिर है आपका 42वें संविधान संशोधन के अंदर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष अखंडता, ये मैंने आपको बता दिया था। USSR से संविधान में क्या विशेषता ली गई है, मूल कर्तव्य, ये बात आपको याद रखनी है कि संविधान जब बना था ना उस टाइम मूल कर्तव्य नाम का कोई भी जिक्र नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ आपके, इंदिरा गांधी जी ने 1975 के अंदर इमरजेंसी लगा दी आपकी, आंतरिक विद्रोह कहकर, ठीक है, आंतरिक अशांति कहकर, क्या उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने आपकी आपातकाल लगा दिया, ठीक है। आपातकाल हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, उसमें ये बात कही गई कि इस तरीके से आप मतलब आंतरिक अशांति करके आपातकाल नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है जो आपका आर्टिकल आपातकाल जब लगता है ना तो आर्टिकल जो 19 है वो आपका समाप्त हो जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका समाप्त हो जाता है, लेकिन आर्टिकल जो 21 है 2021 वो आपके समाप्त नहीं होते, यानी आपको जीने का अधिकार, लेकिन आपकी स्वतंत्रता का अधिकार हट जाता है जब आपातकाल लगता है। तो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया, फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, फिर उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्य संविधान के अंदर होने चाहिए, ठीक है, मूल कर्तव्य जो है संविधान द्वारा, यानी किसी तरीके से हम उसको हाई कोर्ट न्यायालय के अंदर उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, यानी कि वो हमारे कर्तव्य हैं, हमें वो पालन करना ही चाहिए, उसके खिलाफ हम केस वगैरह नहीं कर सकते। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही आपके मूल कर्तव्य बने थे। स्टार्टिंग में कितने मूल कर्तव्य बने थे आपके, 10 मूल कर्तव्य बने थे, ठीक है, लेकिन बाद में एक और 11 मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, कौन सा आपका, शिक्षा का, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, ये बात जो कही गई थी आपके 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10 अनुसूची 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, कहां से लिए गए थे, USSR से, ये मूल कर्तव्य जो है हमने लिए थे, और आर्टिकल कौन सा रहेगा, आर्टिकल 51A के अंदर ये सारी बातें जोड़ी गई थी, ये बात आपको याद रखनी, कहां है आपका पार्ट 4 के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर आपकी 10 कर्तव्य जोड़े गए, बाद में एक और 11, यानी अभी हाल ही में कितने 11 हैं आपके मूल कर्तव्य, यहां पे 11 हैं आपके, ठीक है। अभी से आगे संविधान संशोधन में बता दें, अगर किसी चीज़ को अमेंडमेंट करना है आपको, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, उसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, अब कैसे याद करो, देखो मैंने तो इस तरीके से याद कर रखा, मैं मेरा तरीका बताती हूँ, संविधान संशोधन करना है यानी हमें उसमें कुछ एडिटिंग, ऐसे लगा लो कि आपको कोई चीज़ में एडिट करना है, एडिट करना तो हम फ्री में ही करेंगे, कुछ पैसे थोड़े देंगे एडिटिंग करने के, तो याद करो बस हमें संशोधन करना है यानी उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो फ्री में करेंगे हम, ठीक है, उसके कोई पैसे नहीं लगते, तो ये हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू जो है आपका, ये कहाँ से लिया गया आपके, अमेरिका से, जो आपका न्यायिक जो समीक्षा है, किस तरीके से
कोई न्याय हम कर रहे हैं उसको, यानी अगेन उसको संसद के अंदर पेश करना, उसके ऊपर विचार विमर्श करना, इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। रिव्यू आपको दिख रहा है ना वर्ड से, रिव्यू व्यू की चीज़ को दोबारा रिव्यू करना, ठीक है। ये हमने अमेरिका से लिया गया है। क्रिस प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी, यानी कि ये तो आपका क्या है, आपका कहते हैं ड्राफ्ट चेक है, वो गांधी जी ने ऐसा कहा था। वर्तमान में कितने अनुसूची बताया ना मैंने आपको, 12 है, पहले कितनी थी, 8 थी, ये मैंने आपको प्रस्तावना वाला में बता चुकी हूँ। अब इसे आगे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं पहले कितने थे आपके, 7 थे, फिर आपका संपत्ति का अधिकार हट गया और अभी कितने आपके, 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर देखो, पार्ट 1 के अंदर क्या है आपका संघ, यानी कि जो हमारा भारत है उसके बारे में, पार्ट 2 के अंदर क्या है आपकी नागरिकता बताई गई, पार्ट 3 के अंदर क्या आपका जिसे हम भाग 3 बोलते हैं उसके अंदर आपका मौलिक अधिकार बताए गए हैं, पार्ट 4 के अंदर आपका DPSP बताया गया है, और जो इसी के अंदर ही 51A के अंदर क्या बताया गया आपके मूल कर्तव्य बताए गए, और पार्ट 5 के अंदर आपका संघ यानी यूनियन जो है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और टोटल कितने पार्ट है आपके, 22 पार्ट है। ये बात आप याद रखो कि अभी कितने, पहले 395 अनुच्छेद थे मूल में, मूल संविधान में, अभी आपके 400 प्लस कुछ हो गए हैं आपके, ठीक है। और अभी जो आपकी अनुसूची हैं वो तो आपके 12 हैं, लेकिन जितने भी आपके भाग हैं वो कितने हैं, 22 इसके अंदर भाग है। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम से होता है, आपको पता ना 1857 की क्रांति हुई थी आपकी, उसके बाद आपका ईस्ट इंडिया का लगा लो अंत हो ही गया था, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी आपकी उसका अंत हो गया था। प्रांतों में दोहरा शासन, दोहरा शासन क्या होता है, दोहरा शासन इसको द्वैध प्रणाली भी कह देते हैं, द्वैध प्रणाली यानी कि में दो जो शासक हैं वो शासन करें, ठीक है, उसे दोहरा शासन कहते हैं। तो समाप्त कर दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम, इसमें कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है इस प्रकार से, और दो शासक हैं वो शासन करेंगे, ठीक है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, जो आपके शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करेगी, आपकी 5वीं अनुसूची है जो आपका अनुसूचित क्षेत्रों उनके बारे में सर्व के बारे में बात करेगी, ठीक है। द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, दो स्तर का पंचायत समिति आपकी होनी चाहिए, वो की थी आपकी किसने, कहा गया आपका क्वेश्चन, अशोक मेहता ने, द्विस्तरीय की बात की थी आपके अशोक मेहता ने, लेकिन तीन स्तर लेकिन अभी हाल ही में लागू होने, 3 स्तर की लागू है आपकी, इसका रिकमेंडेशन किसने किया था, बलवंत राय जो मेहता समिति है, इसने आपका जो 3 स्तरीय आपकी पंचायत समिति होनी चाहिए, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, कौन सा आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और आपका 1993 के तहत आपका सबसे पहले जो पंचायत है वो कहाँ लागू की गई थी आपकी, पंचायत बनाई गई थी आपकी राजस्थान के नागौर के अंदर बनाई गई थी 1953 के अंदर, 1993 के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की थी, और 3 स्तरीय के बाद 3 स्तरीय की बात की थी आपकी किसने, बलवंत राय मेहता ने, कौन कौन सी है आपकी, फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकारी आयोग किस किस के बारे में, संबंध के बारे में जानकारी देता है, ये आपका एचसीएस के अंदर एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन किस तरीके से था, क्वेश्चन था आपका कि इनमें से कौन सा आयोग है जो केंद्र और राज्य के संबंध की जाँच नहीं करता, तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से 1 नहीं था, 3 थे, 3 में ऑप्शन था आपका सरकारी आयोग, सरकारी आयोग कैसे, सरकारी सरकार है, सरकार हमेशा केंद्र और राज्य के संबंध को बनाने की कोशिश करेगी, बिगाड़ने की नहीं, तो कर लो याद, बस इतना हिंट काफी है, केंद्र राज्य के संबंध की जांच करेगा। 1971 में आपको पता है भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे आपके, वीवी गिरी थे, जो वो कौन थे आपके राष्ट्रपति। और भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था आपका, 1962 के अंदर हुआ था, और 71 के अंदर आपका भारत और पाकिस्तान का हुआ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन, यानी पूर्ण तरीके से हम क्रांति लेके आए थे आपका, वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा द एंटायर रिवोल्यूशन मूवमेंट चलाया गया था। पहले ऐसे व्यक्ति कौन है मरने के बाद उनको भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत, ठीक है, आपको पता ना कब इनकी डेथ हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता 1966 के तहत, ठीक है, तब ये भारत आ रहे तब इनकी डेथ हो गई थी, अब तक पता नहीं चल रहा कैसे हुई क्या नहीं, कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन उनको बाद में भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। मतदाता की आयु जो 21 से घटकर 18 साल, आपको पता नहीं कि पहले जो हम वोट कर सकते हैं वो 21 साल का जो कर सकते हैं 21 साल का नागरिक, लेकिन उसको घटाकर अभी 18 साल कर दिया गया, तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया होगा, इसमें फ्री में ही किया होगा, है ना, तो वह था 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आपका 21 संविधान संशोधन किया गया, जो कि आप दक्षिण अफ्रीका से ले गए हैं, 21 से घटाकर इसकी जो एज है 18 कर देगी। देखो मतदाता की बात आई है, तो जो मतदान है ये ना मतदान जो है इसको कब आपका दिवस मनाया जाता है, मतदान वो बताइएगा मुझे, आपका 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है, वोटिंग डे जिसे हम कहते हैं। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया, अनुच्छेद 28 के तहत, यानी कि धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा है आपको शिक्षण संस्थाओं लाइक स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाएगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग किस आधार पर लाया जाता है, संविधान के उल्लंघन अगर उन्होंने कर दिया है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध इंपीचमेंट यानी महाअभियोग लेके जाते हैं, कौन से आर्टिकल में ऐसा जिक्र किया गया है, आर्टिकल 61 के अंदर कहा गया है
कि जो राष्ट्रपति के विरुद्ध हम महाभियोग ला सकते हैं। इसमें आपको पता है कैसे करना पड़ेगा, संसद के दोनों सदनों में से क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग चलाया जा सकता है, उसके लिए कम से कम 2/3 बहुमत से इसको पास किया जाएगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा, 2/3 बहुमत से अगर पास करते हैं तो फिर क्या होगा, इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और कम से कम जितने भी लोग प्रेजेंट हों उनमें से 1/6 मेंबर के क्या होने चाहिए, इसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि आपके खिलाफ हम महाभियोग लेके आए हैं आर्टिकल 61 के तहत। फिर आगे मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352 के अंदर मंत्रिमंडल का उल्लेख है, ठीक है, एक बार इसको छोड़ दो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, इसके क्योंकि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 316 में आपातकाल की बात हुई है। आर्टिकल 352 के अंदर क्या आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 356 के अंदर आपका राष्ट्रपति आपातकाल है और आर्टिकल 360 के अंदर आपका वित्तीय आपातकाल है, जो कि आज तक नहीं लगा है आपका। और आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है, सारी बातें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति की यहाँ बात आई थी, राष्ट्रपति जो है भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 52 के अंदर कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अंदर कहा गया कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। आर्टिकल 54 के अंदर कहा गया है किस तरीके से इनका निर्वाचन होगा, ठीक है। आर्टिकल 55 के अंदर जाएगा निर्वाचन की रीति क्या होगी, यानी किस तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा। आर्टिकल 56 के अंदर कहा गया कि इनकी पदा अवधि कितनी होगी, यानी कितने, यानी 5 वर्ष होगा, इनका 5 वर्ष तक अपनी सीट पर रह सकते हैं, बाद में इनके सीट छोड़ने से पहले ही इलेक्शन करवाया जाएगा। और एक बात याद रखना, राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। और अगर जो राष्ट्रपति के हट जाने से किसी वजह से हट सकता है, रीजन चाहे उसकी डेथ हो जाए चाहे पद त्याग कर दे जो भी कोई है, तो उपराष्ट्रपति उनकी सीट पर बैठ जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनमें से कोई उनके ऊपर बैठ सकता है, लेकिन जो अपना त्याग पत्र है किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल 60 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 के अंदर बताया गया है इंपीचमेंट प्रोसेस, यानी किस तरीके से महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य जितने भी मंत्री हैं उन सबकी नियुक्ति करता है, सारी बात को याद रखनी है। और राष्ट्रपति नाम मात्र का शासन है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती हैं। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो है आपकी पॉलिटिक्स की, मुझे बताना कैसे लगी आपको, कंटेंट कैसा लगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सब आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं मुझे आप कमेंट करके बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा, लाइक कीजिएगा तभी मैं क्या करूंगी, इस सीरीज को मैं स्टार्ट रखूंगी। ये मैंने आपके लिए अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए मैंने कोशिश की कम से कम समय में जितना भी पॉलिटिक्स जितना ज्ञान हो सकता है, जितना मैंने खुद ने जितना अर्जन किया वो सारा के सारा मैं आपके साथ साझा कर सकूँ, आपको सिखा सकूँ, मैंने ऐसी कोशिश की है। प्लीज़ बताइएगा आपको मेरी कोशिश कैसे लगी। इससे पहले मैं आपको ज्योग्राफी में आपको टीच करती हूँ, साथ ही साथ जितना भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, मंथली करंट अफेयर मैं आज का इस बार नहीं ले पाई हूँ, लेकिन 1-2 दिन के अंदर मैं आपके सामने जरूर लेके आऊँगी। जनवरी फरवरी का मैं कंप्लीट आप करवा चुकी करंट अफेयर। हरियाणा करंट अफेयर मैं 15 मिनट के डोज के अंदर 15 मिनट के अंदर कोशिश करूँ जितना भी हरियाणा करंट अफेयर तो जब ऐसा निचोड़ है वो आपके सामने लेके आऊँ। एनसीईआरटी की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखे, प्लीज़ आप उसको जरूर देखेगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रही हैं, ये पॉलिटिक क्लास आप कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।